लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर कई हमले किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राजा हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने अतीत में गलतियां की हैं और उसे भविष्य में अपनी राजनीति बदलनी होगी। उन्होंने पीएम मोदी को बहस की चुनौती भी दी। राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 180 से अधिक सीटें नहीं जीतेगी। नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी वापस नहीं आएंगे। मोदी जी राजा हैं, मैं सच कह रहा हूं, वह प्रधानमंत्री नहीं है, वह एक राजा है। उनका मंत्रिमंडल, संसद या संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वह 21वीं सदी के राजा हैं और दो या तीन फाइनेंसरों के सामने हैं जिनके पास वास्तविक शक्ति है। क्या है? और आप लिख लीजिए वो। अच्छा, एक एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर भाई को भाई से लड़ाने की, और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। वो मतलब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कह रहे भैया क्या हो, ये बोल क्या रहा है। तो वो चेंज आ गया है, तो तूने विजुअल तो लिया ही नहीं। लिख लीजिए वो। अच्छा, एक एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 180 से आगे नहीं जा रहे। अब आपके सवाल हो नहीं, देखिए, मगर इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है, अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा, ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी ने भी भाई को भाई से लड़ाने की, और इस चुनाव में वो काम ही नहीं। ओके okay.